नमस्कार दोस्तों, आओ सीखे चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं दो रंग का एक बेहद खूबसूरत डिजाइन लाए हूँ जो बनाना जितना ही आसान है देखने में उतना ही खूबसूरत दिखाई देता है। इसे आप बच्चों के किसी प्रोजेक्ट में या लेडीज प्रोजेक्ट में डालेंगे ये बहुत ही अच्छा लगेगा। इसे बनाने के लिए हमें 4 के मल्टीपल फंदे चाहिए और एक फंदा एक्स्ट्रा। तो 4-4 फंदे हम गिनेंगे तो लास्ट में एक फंदा बचना चाहिए। तो मैंने सिलाई में 13 फंदे डाले हैं। डिजाइन बताने से पहले आपसे अनुरोध है कि यदि आप मेरे चैनल में पहली बार आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। वीडियो और डिजाइन अच्छी लगे तो कृपया इसे लाइक करें और अपने फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर करें। तो चलिए फ्रेंड्स, हम डिज़ाइन बनाते हैं। तो मैंने 2 लाइन का बॉर्डर बना लिया है और अब हम यहाँ से अपना डिज़ाइन शुरू करते हैं। यदि आपको अपने प्रोजेक्ट में फंदे बढ़ाने हो तो आप रॉन्ग साइड से फंदे बढ़ा सकते हैं। तो ये डिज़ाइन का पहला लाइन है और सामने से, तो पहले लाइन में हम अपना दूसरा कलर अटैच करेंगे और पहला फंदा स्लिप कर लेंगे। फिर 3 फंदे हम सीधा बुनेंगे, 1, 2, 3। फिर इन्हीं 4 फंदों को हमें पूरी सिलाई में दोहराना है। एक फंदा स्लिप करना है और 3 फंदा सीधा बुनना है, 1, 2, 3। एक फंदा स्लिप करना है, 3 फंदा सीधा बुनना है। लास्ट में एक फंदा बचेगा जिसे हम स्लिप कर लेंगे। रॉन्ग साइड से स्लिप किए हुए फंदे को स्लिप करेंगे और बुने हुए फंदे यानी 3 फंदे जो इन्हें हमें उल्टा बुनना है। स्लिप किए हुए फंदे को स्लिप करना है और ये बुने हुए 3 फंदे इन्हें हमें उल्टा बुनना है। स्लिप किए हुए फंदे को स्लिप करना है और बुने हुए 3 फंदों को उल्टा बुनना है। तो हमने दो लाइन कंप्लीट कर लिया। अब ये डिज़ाइन का तीसरा लाइन है और सामने से, तो तीसरे लाइन में हम अपने दूसरे कलर के ऊन से ही तीसरी लाइन में सभी फंदों को उल्टा बुनेंगे। तीसरी लाइन में हमें दूसरे कलर के ऊन से पूरी लाइन उल्टा बुनना है। बुने हुए फंदे को, स्लिप किए हुए फंदे को, सभी फंदों को हमें उल्टा बुन लेना है। तो हमने सभी फंदों को उल्टा बुन लिया। अब हम सामने की तरफ हैं, सॉरी, अब हम रॉन्ग साइड में आ गए हैं और ये डिजाइन का चौथा लाइन है। तो इसमें हम सभी फंदों को वापस उल्टा ही बुन लेंगे। तीसरी लाइन में भी सभी फंदों को उल्टा और चौथी लाइन में भी सभी फंदों को उल्टा बुन लेंगे। तो हमने दूसरे कलर के ऊन से 4 लाइन बना लिया। अब ये डिजाइन का 5वां लाइन है और सामने से, तो 5वीं लाइन में हम अपने पहले कलर के ऊन से 2 फंदा सीधा बुनेंगे, 1, 2। तो इस 2 फंदों के बाद से हमारा 4 फंदे का पैटर्न शुरू हो जाएगा, यानी एक फंदा स्लिप करेंगे और 3 फंदा सीधा बुनेंगे। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये जो 3 फंदे हमारे पिछली लाइन में हमने बुने थे, तो ये स्लिप किया हुआ फंदा इसके बीच वाला फंदा है, यानी दूसरा फंदा। और देखिए, जो 3 फंदे हम सीधा बुनेंगे, तो ये देखिए, ये स्लिप किया हुआ फंदा है, तो इसके ऊपर वाला फंदा और दोनों साइड वाले फंदे, ये 3 फंदे हम सीधा बुनेंगे। एक फंदा स्लिप करना है, फिर 3 फंदा सीधा बुनना है। लास्ट में 3 फंदे बचेंगे, तो एक फंदा स्लिप करेंगे और 2 फंदे जो हैं इन्हें हम सीधा बुन लेंगे। रॉन्ग साइड से बुने हुए फंदे उल्टा बुनने हैं और स्लिप किया हुआ फंदा स्लिप कर लेना है। बुना हुआ फंदा उल्टा और स्लिप किया हुआ फंदा स्लिप करना है।
तो तीन फंदे उल्टे, स्लिप किया हुआ फंदा स्लिप करना है, लास्ट में दो फंदे हैं इन्हें हम उल्टा बुन लेंगे। तो हमने इस तरह छठी लाइन कंप्लीट कर लिया। सातवीं लाइन में हम वापस अपने पहले कलर के ऊन से ही सभी फंदे उल्टा बुनेंगे। सातवीं लाइन में सभी फंदे उल्टे, डिजाइन बहुत ही आसान है और बेहद खूबसूरत। सातवीं लाइन में सभी फंदे उल्टे और आठवीं लाइन में भी सभी फंदे उल्टे ही बुने जाएंगे। तो एक रंग के ऊन से हम चार लाइन बन रहे हैं, एक रंग के ऊन से हम चार लाइन बुन रहे हैं, फिर अगला चार लाइन हम दूसरे कलर के ऊन से बुन रहे हैं। आठ लाइन का ये रिपीटेड डिजाइन है। तो इसमें मैंने दो रंग से बनाया है और इस देखिए इसमें मैंने चार कलर के ऊन का इस्तेमाल किया है। डिजाइन एक ही है, इसमें मैंने दो कलर के ऊन का से बनाया है और इसमें मैंने चार कलर का ऊन इस्तेमाल किया है। आठ लाइन का रिपीटेड डिजाइन है। डिजाइन देखिए कितना खूबसूरत है, सामने से ये ऐसा दिखाई दे रहा है और पीछे से ऐसा। डिजाइन बनाना जितना ही आसान है, बनने के बाद देखिए उतना ही खूबसूरत दिखाई दे रहा है। तो फ्रेंड्स, डिजाइन आपके सामने, आशा है आपको पसंद आया होगा। तो यदि आपको मेरा यह डिजाइन अच्छा लगा हो तो कृपया इसे लाइक करें और अपने फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।